मिनकॉन 2022 के इस आयोजन में मंच पर उपस्थित एमएसएमसी के अध्यक्ष और मेरे परम मित्र एडवोकेट आशीष जायसवाल जी, विधायक प्रणय फुके जी, हमारे उद्योग और माइंस इस विभाग के सचिव श्री हर्षदीप कांबळे जी, मंच पर उपस्थित श्री रवि बोरटकर जी, शिवकुमार राव जी, देवेंद्र पारेख जी, प्रदीप चंदन जी, सभी यहां पर उपस्थित महानुभाव और उपस्थित बहनों और भाइयों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि तकरीबन 3 साल बाद फिर एक बार मिनकॉन का आयोजन नागपुर में किया गया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि यह बहुत ही अच्छी पहल हमारे सभी आयोजकों ने मिलकर की है, विशेष रूप से वेद होगा, एमएडीसी होंगे या हमारे सरकार के डिपार्टमेंट्स होंगे, इन्होंने मिलकर मिनकॉन के माध्यम से ये प्रयास किया है कि माइनिंग इंडस्ट्री की जो अपॉर्चुनिटीज है उनको शोकेस किया जाए, माइनिंग इंडस्ट्री में जो नई टेक्नोलॉजीज आई है उनको भी सबके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए और जो चैलेंजेस इंडस्ट्री फेस कर रही है सरकार के साथ एक इंटरफेस के रूप में काम करते हुए मिनकॉन के माध्यम से उसको भी एड्रेस किया जाए, ऐसे मल्टीपल हेतु मन में रखकर इसका आयोजन किया गया। मैं अभी मैंने एग्जीबिशन भी देखी और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज एग्जीबिशन में देखने को मिली। जैसा कि ब्रोचर में हमने कहा था कि इंडस्ट्री 4.0 इसका उपयोग हम माइनिंग सेक्टर में कैसे कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस प्रकार से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलाकर जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है उसका उपयोग हम कैसा कर सकते हैं, ये सारी चीजों के टेक्नोलॉजीज के टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स यहां पर एकत्रित आए हैं। और साथ साथ टेक्नोलॉजी लाने का एक और कारण ये भी है कि हमें माइनिंग विथ सस्टेनेबिलिटी इस मोटो को आगे ले जाना है। हमने पूर्व में भी देखा कि जिन जिन सभ्यताओं ने इररिस्पॉन्सिबली धरती को भूगर्भ को एक्सप्लॉइट किया, शोषित किया, शोषण किया, वो सभ्यताएं समाप्त हो गई। और इसलिए हमेशा द्वंद्व चलता है कि माइनिंग हो न हो, हो तो कैसी हो, किंतु मैं ऐसा मानता हूं कि आज टेक्नोलॉजी ने हमें इस कगार पर लाकर खड़ा किया है कि माइनिंग के दुष्परिणामों को कम करते हुए हम लोग उसके माध्यम से वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं। और अब धीरे धीरे माइनिंग में भी सर्कुलर इकोनॉमी ये प्रस्तापित करने का प्रयास चल रहा है, कई देशों ने उसको किया है। ये बात तो सही है कि इसमें से बहुत सी चीजें इरिप्लेसेबल है, बावजूद उसके उसका कोई ना कोई रिप्लेसमेंट इन सम अदर फॉर्म ये भी करने का
आज बहुत बड़ा प्रयास वैश्विक रूप से हो रहा है। कल मैं पावर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में था और वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन की बात हुई और सस्टेनेबिलिटी की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पश्चिमी देशों की राय थी कि ग्रीन हाइड्रोजन इसको ही हम लोगों ने अल्टरनेट पावर के रूप में या एनर्जी रिप्लेसमेंट सोर्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन साथ साथ वो ये मानते थे कि ग्रीन हाइड्रोजन जो नेचुरल गैस से तैयार होगा उसी को हमने मानना चाहिए। तो इसका मतलब ये था कि फिर एक बार पश्चिमी राष्ट्र अपनी मोनोपोली तैयार करना चाहते थे, क्योंकि नेचुरल गैस तो उनके पास है, नेचुरल गैस ही फॉसिल है। और फिर भारत ने भूमिका ली कि क्यों केवल नेचुरल गैस से, अगर एनर्जी रिप्लेसमेंट करना है तो हम लोग सोलर का उपयोग कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम ग्रीन हाइड्रोजन तैयार कर सकते हैं, अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, नॉन फॉसिल से हम तैयार कर सकते हैं। तो एक नई डिबेट इससे शुरू हुई और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये सारी चीजों का विचार हमको करना पड़ेगा। आज माइनिंग का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र निश्चित ही अलग अलग चैलेंजेस को फेस कर रहा है और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आशीष जी ने जो कही वो है एनवायरमेंटल क्लियरेंस की। आज एक माइन ऑक्शन में भी अलॉट होने के बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस में बहुत समय लगता है, इसी लेकर उसका ऑक्शन करने की कोशिश की गई लेकिन कंसल्टेंट ही नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है लेकिन इसको सुधारना पड़ेगा और इसके बाद इसी लेकर ही ऑक्शन किया जाए ऐसा मेरा मानना है। और उस दृष्टि से अगर यहां के कंसल्टेंट तैयार नहीं होंगे तो विदेशों से लाएंगे। ये ऐसी कोई अभी रॉकेट साइंस की टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसको कंसल्टेंट नहीं मिले। एनवायरमेंट इंपैक्ट एनालिसिस एक बहुत माइनिंग के लिए सेट पैटर्न से होता है, उसका पानी पर क्या परिणाम है, उसका सॉइल पर क्या परिणाम है, उसका ग्राउंड वाटर पर क्या परिणाम है, उसका एयर पर क्या परिणाम है, उसके ट्रांसपोर्टेशन से कितना पोल्यूशन, ऐसे बिल्कुल पैरामीटर्स के सेट पैरामीटर्स है। इसलिए हमारे सचिव यहां पर है आशीष जी ने जो ध्यान में लाकर दिया है वो तो महत्वपूर्ण है। हमने तुरंत इस संदर्भ में निर्णय करके और इसके इसी प्राप्त करके जितने ब्लॉक्स हमारे पास उपलब्ध है वो सारे ब्लॉक्स हम लोगों ने ऑक्शन के लिए उपलब्ध कराने चाहिए। आज एमएसएमसी जैसी एक बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे पास है और विशेष रूप से आशीष जायसवाल जी ने एक मरी हुई व्यवस्था को जिंदा कर दिया। हम अगर अन्य राज्यों में देखें तो वहां की माइनिंग कॉरपोरेशंस समृद्ध है, बहुत बड़े पैमाने पर वैल्यू क्रिएट कर रही है, पैसा कमा रही है। हमारे यहां हमने इसको डंप कर दिया था। उस दृष्टि से पिछले समय आशीष जी ने पॉलिसी तैयार की लेकिन आशीष जी आपकी सारी पॉलिसीज ये सरकार जाने से वही के वही रह गई। लेकिन आपकी पॉलिसी को भी मेरे ऊपर विश्वास था, जब मैंने कहा था मैं पुनः ये तो आपकी पॉलिसी को भी मालूम था कि मैं ही आने वाला हूं, इसलिए बीच में आपकी पॉलिसी ने मुंह ही बाहर नहीं निकाला। अब आप चिंता मत करिए, आपने जो नई माइनिंग पॉलिसी तैयार की है वो आप कब तक सबमिट करेंगे? ऑलरेडी कर दिए हर्षदीप जी, हम जनवरी से पहले उसको कर लेंगे। 26 जनवरी बोलता हूं, बिफोर 26 जनवरी हम नई माइनिंग पॉलिसी को मान्यता देंगे। और मेरा विश्वास है कि नई माइनिंग पॉलिसी के साथ साथ
अन्य भी इस सेक्टर की जो समस्याएं है, जैसे आपने ध्यान में लाकर दिया कि अन्य राज्यों में जो मेजर मिनरल्स माइनर मिनरल की सूची में गए उनकी लिस्ट को कंटिन्यू किया गया। अगर अन्य राज्य कंटिन्यू कर सकते हैं तो हम भी कर ही सकते हैं। मैं जरूर उस संदर्भ में भी अन्य राज्यों से उन्होंने क्या किया है हमारे सचिव तुरंत मंगाएंगे और उसी तर्ज पर हम लोग इसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैंने अभी तक तो पॉलिसी देखी नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है सुकुमार जी कि आपने कहा वैल्यू एडिशन करें और फिर बाहर जाने दें, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उसके आगे का भी काम यहां होना चाहिए, उसके एक इकोसिस्टम हमें तैयार करनी चाहिए। और जैसा आप जानते हैं कि जिस समय मैंने सुरजागढ़ में माइनिंग को परमिशन दी, मेरी पहली कंडीशन उनको यह थी कि आप यहां पर स्टील प्लांट लगाए और उनको कौनसरी में जगह दी। अभी परसों मैंने त्रिवेणी के जो क्या नाम उनका प्रभाकरण, हाँ उनसे मैंने परसों बात की, प्रभाकरण जी से, तो उन्होंने मुझे ये आश्वस्त किया है कि उनका फर्स्ट फेज ये अप्रैल तक वो पूरा करेंगे और सेकंड फेज का काम वो शुरू करेंगे। मैंने अभी अभी हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी को कहा है कि सेकंड फेज के लिए भी उनको जमीन दी जाए। गढ़चिरौली में अगर वहां पर इतना रिच आयरन ओर होता है तो हम गढ़चिरौली का उपयोग कॉलोनी जैसा नहीं करने देंगे कि वहां से सारा माल बाहर निकले, वहां के लोग तकलीफ सहन करें और वहां कोई प्रोडक्शन न हो और वहां कोई एम्प्लॉयमेंट न हो, ये नहीं सहन होगा। गढ़चिरौली में ही इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाना ही होगा, ये हमारी कंडीशन है और उसमें जो अड़चने हैं वो अड़चने हम दूर करेंगे। फिर गढ़चिरौली के बाद उनको और कहीं लगाना है विदर्भ में तो जरूर लगाए। और इसी प्रकार से जो मिनरल्स हमारे पास उपलब्ध है उसके ऊपर आधारित जो भी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के लिए जिस प्रकार के कंसेशंस आपको चाहिए आप जरूर उसका एक खाका तैयार करके हमको दीजिए। निश्चित रूप से वो सारे कंसेशन राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से चर्चा करके मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। बस मेरी एक ही आपसे विनती है, ठीक है, हम लोग तो कोई फील्ड के लोग नहीं है, तो पिछले समय आप सब लोगों ने मिलकर हमको कहा कि विदर्भ में डिफरेंशियल टैरिफ होना चाहिए, हमने लड़ झगड़ के डिफरेंशियल टैरिफ लाया, लेकिन कुछ लोगों ने उसका गलत फायदा भी लिया। और आपको पता है कि कुछ लोगों ने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का नाम बदल किया और उसमें निश्चित रूप से केवल उनका दोष नहीं है, कुछ हमारे लोग भी उसमें शामिल थे और नाम बदल के नई इंडस्ट्री दिखा के उन्होंने, अगर इस प्रकार से हम सब्सिडीज देंगे और उसमें कोई नया इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगा और वही लोग नाम बदल बदल के अगर काम करेंगे, नया आया नहीं ऐसा मेरा कहना है, बहुत बड़े पैमाने पर आए, लेकिन ये कुछ लोगों ने जो बदमाशी की उसके कारण पिछली सरकार को एक रास्ता ही मिल गया उसको बंद करने का, वो तो चाहते ही नहीं थे, तो उन्होंने उसको किस प्रकार से स्ट्रक्चर कर दिया हम सब लोग जानते। अब जो भी चीज आप तैयार करके दीजिए, मैं तो आपने जो तैयार करके दिया मैं आंख मूंद कर उसको आगे ले जाता हूं, तब आप ये ध्यान में रखिए कि यू आर वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री एज वेल एज स्टेट, यू आर वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एट लार्ज, और इसका विचार करके कोई भी पॉलिसी गलत तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं होगी। पॉलिसी बनेगी तो उसमें चेक एंड बैलेंसेस होंगे, पॉलिसी बनेगी तो उसमें उद्योग बढ़ना चाहिए, पॉलिसी बनेगी तो रोजगार का निर्माण होना चाहिए, नए रोजगार का सृजन न करने वाली पॉलिसी कोई मतलब नहीं रखती है। ये सारी चीजें ध्यान में रखकर अगर आप पॉलिसी देते तो माइनिंग इंडस्ट्री के लिए आपकी न्यू माइनिंग पॉलिसी के साथ साथ जो भी वाजिब शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी वाजिब कंसेशंस आप मांगेंगे उसको देने का काम हमारी सरकार निश्चित रूप से करेंगी। हम ये चाहते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम हमारे यहां पर कुछ सालों तक थी और जो पिछले 20-25 सालों में विशेष रूप से समाप्त हुई, कोई छत्तीसगढ़ चली गई, कहीं खत्म हो गई,
ये सारी इकोसिस्टम को हम वापस तैयार करें। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक वेंडर बेस जो है वो केवल ऑब्लिगेशन के लिए तैयार न हो, तो एक बड़ा वेंडर बेस तैयार हो। उस दृष्टि से भी आपको जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए उन व्यवस्थाओं को भी तैयार करने का काम हम करेंगे। जैसा आशीष जी ने कहा, आपने पिछले 5 सालों में देखा विदर्भ के लिए, मराठवाड़ा के लिए, पिछड़े इलाकों के लिए जो जो मांगा हमने दिया, और वापस हमारी ये तैयारी है जो जो आप मांगोगे हम देंगे, लेकिन उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। रिजल्ट नहीं आया तो जिम्मेदार भी आपको मानेंगे। तो उस दृष्टि से पारिक जी, उस दृष्टि से आपको सबको, मुझे ऐसा लगता है कि फिर एक बार अपना विचार करने वाली सरकार आई है। ये ध्यान में रखते हुए जितनी तेजी के साथ आप इसमें पहल करेंगे, और आज तो मिनकॉन हो रहा है नॉट जस्ट इन द माइनिंग इंडस्ट्री बट इंडस्ट्री सारी जो अलग अलग हमारी है वो सारी इंडस्ट्री का विचार करते हुए हम लोग आने वाले दिनों में हमारी पॉलिसीज को तैयार करें। और विशेष रूप से मैं ये कहता हूँ कि अभी नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे डेवलप होने के बाद इतने बड़े पैमाने पर लोगों का इंटरेस्ट जागरूक हो रहा है, और मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगले 3 सालों में हम लोग जो सपना लेकर घूमते थे लॉजिस्टिक्स, अगले 3 सालों में ऑल द मेजर लॉजिस्टिक प्लेयर्स विल बी लोकेटेड अराउंड ये हमारा जो कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे है, समृद्धि बाबासाहेब ठाकरे एक्सप्रेस वे है, और उसमें विशेष रूप से नागपुर, वर्धा या ये जो सारा हमारा इलाका है यहाँ पर लोग आने वाले हैं। तो इस दृष्टि से भी हम लोग तैयारी करें ताकि उसका इकोसिस्टम तैयार हो, और आने वाले लोगों को हम लोग निश्चित रूप से कोई ना कोई सुविधाएं दे सके ताकि ये जो व्यवहार है ये बड़े पैमाने पर बढ़े। मैं आज के इस मौके पर, आशीष जी आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय और रेती का यहाँ पर लाया, उसकी एक नई पॉलिसी तैयार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसमें आपका बहुत ज़्यादा अभ्यास है, तो आपका मार्गदर्शन उस पॉलिसी में हम लेंगे। आपने जो पॉइंट्स दिए उन पॉइंट्स को भी उसमें हम सम्मिलित करेंगे। और निश्चित रूप से मैं अभी अभी आशीष जी को पूछ रहा था कि हमने आपको रेती घाट देने की बात कही थी तो उसका क्या हुआ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा मैं पिछले 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन टीपी इशू नहीं होती। तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, अगर MSMC को नहीं मिलती है तो ये तो ऐसे जितने अधिकारी उनको घर पे ही बैठाना पड़ेगा। अगर हमारे सरकार के उपक्रम को कोई यहाँ पर जो GR हमने निकाला उसका पालन नहीं होता होगा, आशीष जी आप तो पुराने अनुभवी, हमने साथ में काम किया है, आप चुप बैठने वालों में से नहीं है, तो आप क्यों चुप बैठे हो? बस सबके नाम दे दो, सबको घर बैठा होगा, ये चलेगा नहीं। ये सरकार बदली है, समझ नहीं आना चाहिए। ये सरकार कोई पैसे खाने वाली सरकार नहीं है, हम लोग कोई धंधा करने वाले सरकार नहीं है। ये जो सारा रेती का व्यवहार, ये कुछ मिनिस्टर और जनप्रतिनिधि मिलकर जो काला बाजार कर रहे थे, हमको नहीं चलेगा, हमको नहीं चाहिए। हम उसमें से एक पैसा हमको चाहिए नहीं, एक एक पैसा जो सरकार का है, जनता का है, सरकार की तिजोरी में ही जाएगा, और उसमें जो करेगा, मैंने अभी अभी आपने देखा होगा जो सारे व्यवहार करते थे सबको जेल में डालना शुरू किया, और मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको जेल में डालूंगा। क्योंकि इस प्रकार से अगर हमारे एनवायरमेंट को पूरे तरीके से खराब करते हुए, हमारी नदियों को खोद खोद कर और एक नया पैसा सरकार को न देते हुए इस प्रकार का व्यवहार होता होगा, तो वो लोग भी सुन ले उन्होंने आज तक क्या किया है, वो किया है, इसके बाद करेंगे तो छोड़ूंगा नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और पुलिस की कार्रवाई भी होगी, ये उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जरूर आने वाले दिनों में ये जो रेती का मसला है इसको भी हम लोग ठीक से सुलझाने का प्रयास करेंगे। मैं मिनकॉन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप लोगों ने 2-2.5 साल बाद वापस सारी चीज़ें ट्रैक पे लाने का प्रयास किया है, फिर एक बार आपकी सरकार आई है, इसलिए आप इन सारी चीज़ों को गति दें, और सरकार की ओर से भी हम गतिशीलता के साथ इन सब चीज़ों पर निर्णय करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट।